हे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंस्टाग्राम पर सेल लाने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे आप क्या चीजें मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सेल नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। लेट्स गो। सो माय नेम इज क्लियर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजर। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि मैं बताने वाला हूँ वो फैक्टर्स जो इंस्टाग्राम पे आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेल लाना है, तो बिकॉज उन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपको सेल मिलता है इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है गाइस, उसको बोलते हैं प्रोफाइल विजिटर्स। यहां पर आप चेक कर सकते हो कि प्रोफाइल विजिटर्स कितने आ रहे हैं, और आप गाइस इनको लिटरली आप इनको समझने की कोशिश करो कि 7 दिन में या 14 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में कितने ज्यादा विजिटर आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं। इवन ये भी करने की कोशिश करो कि रोज के विजिटर कितने हैं आपके प्रोफाइल में, बिकॉज यही वो विजिटर्स हैं जो आपके लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके फनल में जाएंगे। फनल, ओपीटी एंड ईमेल मार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग, ये सारे बाद के फैक्टर हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है कि कितने लोग आपके लिंक पर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज को अच्छे से काफी सही से समझना पड़ेगा कि कितने विजिटर आपके प्रोफाइल पे डेली के आ रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो पेड हो। और अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो ऑर्गेनिक रीच जो है वो पूरी तरह से अब इंस्टाग्राम से खत्म हो चुकी है, लेकिन लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक रीच देते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट, लाइक और ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करने पे, उनको अप्रिशिएट करने पे करोगे, तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जहां से लोग आपके प्रोफाइल तक पहुंचेंगे। गाइज, नेक्स्ट जो है वो है स्टोरी। गाइज, स्टोरी आप कैसे यूज कर रहे हो? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाख लाख फॉलोअर हैं, लेकिन उनके स्टोरी में 1000 विजिटर्स भी नहीं आते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके 1000 फॉलोअर्स हैं और उनके स्टोरी में मोर देन 500 विजिटर्स आते हैं। लाइक मी, मेरे में ऑन एवरेज 350-400 तक स्टोरी विजिटर्स आते हैं पर डे, ऑन पर स्टोरी। ठीक है, ऑन एवरेज मैं बता रहा हूं। तो ऐसे ही बहुत सारी लोग हैं कि जिनके में बहुत ज्यादा भी आते हैं, बहुत कम भी आते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने लोग आपके स्टोरी से आ रहे हैं, और आपको कैसे स्टोरी बनाओ कि वो लोग आपके लिंक तक, मतलब आपके प्रोफाइल तक जाए और वहां जो लिंक होती है उस पर क्लिक करें और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, और एट द एंड आप उनको प्रोडक्ट सेल कर पाओ। नेक्स्ट एंड लास्ट इन द लिस्ट, बट बहुत बड़ा फैक्टर है ये, और इसको कहते हैं एनालिटिक ऑफ पोस्ट। गाइस, आप कितनी भी पोस्ट करो और उस चीज को चेक करो, लाइक 1, 2, 3 आपने 3 पोस्ट किया एक दिन में, सबके एनालिटिक्स को 24 आवर्स में चेक करो कि कौन सा पोस्ट बहुत दूर तक जा रहा है। इसका मतलब कितने ज्यादा विजिटर किसी एक पोस्ट पे आ रहे हैं। जिस पोस्ट पे ज्यादा विजिटर रहेंगे उस तरह की पोस्ट और क्रिएट करने की कोशिश करो, देन आप 3 और उस तरह की पोस्ट क्रिएट करो और फिर देखो कि उस 3 में से कौन सबसे अच्छा पोस्ट है, देन उस पोस्ट के बेस पे और नए पोस्ट बनाओ, और ऐसे करके आप उनको स्टडी करते जाओ। जहां पर भी इन तीनों में, मतलब इन तीनों पोस्ट में नहीं, इन तीनों फैक्टर्स में, मतलब प्रोफाइल फैक्टर और आपका पोस्ट फैक्टर और स्टोरी, ये तीनों फैक्टर्स को आपको चेक करना है। जो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उस पर आपको काम करना है, और इन तीनों पे काम करना मतलब सिर्फ एक काम करना है आपको, कि आपको कमेंट, लाइक और पोस्ट, ये 3 चीजों पर ध्यान देना है, तो आपका ये तीनों फैक्टर ग्रो होते जाएगा। और एक चीज और है, जब आप स्टोरी बनाओ तो उसको ऐसा बनाओ कि लोग आपके प्रोफाइल तक पहुंचे, तब जो आपकी सेलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ये जो मैंने बताया है सिर्फ आपको ऑर्गेनिक रीच के बेस पे बताया है। अगर आप यहाँ पर पेड एड्स का यूज करते हो तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इवन आपको इंस्टेंट सेल भी आना स्टार्ट हो सकते हैं। और जो फनल है, ईमेल मार्केटिंग है, रीटारगेटिंग है, ये सब बैकअप का खेल है, बट फ्रंट में आपको ट्रैफिक चाहिए, और ट्रैफिक इन फैक्टर्स के वजह से आता है। तो इन चीजों को आप स्टडी करना स्टार्ट करो, फिर आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा सेल आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज ये जो पूरा गेम है सोशल मीडिया का वो एनालिटिक्स पे टिका हुआ है, समझने पे टिका हुआ है कि आप कैसे इस चीज को स्टडी कर सकते हो। गाइज, यहाँ मैं कुछ मिनट्स में बहुत सारी चीजें आपको बता के चल जाता हूँ, बट आपको इसको लिटरली लिखना है
और इसको और स्टडी करना है गूगल के द्वारा और समझना है कि मैंने क्या कहा, बिकॉज एक वीडियो में हर चीजों को कवर करना इजी नहीं है। तो गाइज अगर आप चैनल पे कहीं से आ गए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस आपको डेली यहाँ मिलती हैं। और लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।